नमस्कार, मैं स्पोकन इंग्लिश से मिथिलेश तिवारी आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको यूज्ड टू का प्रयोग किसी बीती हुई बातों को याद करने के लिए किया जाता है। बीते हुए लम्हों को याद करने के लिए यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है। बीते हुए समय को याद करने के लिए यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है। यूज्ड के बाद टू लगा ही रहता है, यूज्ड के बाद टू आता ही आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। फार्मिंग में जाएं, अगर स्ट्रक्चर में जाएं, तो सब्जेक्ट यूज्ड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है। यूज्ड टू जो अर्थ देता है, कोई काम किया करता था, पढ़ा करता था, आया करता था, जाया करता था, लिखा करता था, सोचा करता था, बोला करता था, दिया करता था, तो किया करता था तिथि का प्रयोग होता है। और देन के लिए तब और बिफोर, पहले के लिए, पहले के अर्थ में बिफोर और तब के लिए देन का प्रयोग किया जाता है। इसमें हम देखते हैं सेंटेंस के द्वारा अपने आप क्लियर हो जाएगा। आई यूज टू लिव इन ए स्मॉल विलेज बिफोर, आई यूज टू लिव इन अ स्मॉल विलेज बिफोर, पहले मैं छोटे से गांव में रहता था, पहले मैं एक छोटे से गांव में रहता था या रहा करता था। आई यूज टू लिव इन स्मॉल सिटी बिफोर, पहले मैं छोटे से शहर में रहा करता था या रहता था। आई यूज टू लिव इन ए स्मॉल टाउन बिफोर, पहले मैं छोटे से कस्बे में रहा करता था। आई यूज टू लिव इन ए स्मॉल रूम बिफोर, पहले मैं छोटे से कमरे में रहा करता था। आई यूज टू लिव इन ए स्मॉल रूम बिफोर, आई यूज टू लिव इन ए स्मॉल होम बिफोर, पहले मैं छोटे से घर में रहा करता था। तो पहले के लिए बिफोर का प्रयोग और तब के लिए देन का प्रयोग किया जाता है। आई यूज टू लिव इन ए स्मॉल विलेज देन, तब मैं छोटे से गाँव में रहा करता था, रहता था। आई यूज टू लिव इन ए स्मॉल सिटी देन, तब मैं छोटे से शहर में रहता था, रहा करता था। आई यूज टू लिव इन ए स्मॉल टाउन देन, तब मैं छोटे से कस्बे में रहता था या रहा करता था। आई यूज टू लिव इन अ स्मॉल रूम देन, तब मैं छोटे से कमरे में रहा करता था। आई यूज टू लिव इन अ स्मॉल होम देन, तब मैं छोटे से होम में रहा करता था, घर में रहा करता था। तो इस तरह से रहा करता था या रहता था, बीती हुई बातों को याद करने के लिए किया जाता है। लेकिन अब मैं नहीं रहता हूँ, अब नहीं रहता हूँ, कब रहता था, तब या पहले रहता था। तो इस तरह का प्रयोग जो है यूज टू का के लिए किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई यूज टू गो टू स्कूल ऑन फूट बिफोर, पहले मैं पैदल स्कूल जाया करता था या जाता था, जाया करता था या जाता था, लेकिन अब नहीं जाता हूँ। आई यूज टू गो टू टेम्पल ऑन फूट बिफोर, पहले मैं पैदल टेम्पल जाया करता था, जाता था, मंदिर जाया करता था, जाता था, लेकिन अब नहीं जाता। आई यूज टू गो टू विलेज ऑन फूट बिफोर, पहले मैं गांव पैदल जाया करता था, जाता था, लेकिन अब नहीं जाता। आई यूज टू गो टू सिटी ऑन फूट बिफोर, पहले मैं शहर पैदल जाया करता था, लेकिन अब नहीं जाता। या तब का प्रयोग अगर करें देन का, आई यूज टू गो टू स्कूल ऑन फूट देन, तब मैं स्कूल पैदल जाया करता था, अब नहीं जाता। तो इस तरह से देन तब के लिए, बिफोर पहले के लिए किया जाता है। सी यूज टू कम टू होम, माई होम बिफोर, पहले वो मेरे घर आया करती थी, पहले वो मेरे घर आया करती थी। सी यूज टू कम टू माई होम देन, तब वो मेरे घर आया करती थी, लेकिन अब नहीं आती है। जब आती थी तब आती थी, अब नहीं आती। तो तब आती थी देन, तो बिफोर पहले आती थी। इस तरह का प्रयोग लगभग यूज टू के साथ होता है। तो आई यूज टू प्ले इन माई चाइल्ड हुड, बचपन में मैं खेला करता था। आई यूज टू गो टू स्कूल इन माई चाइल्ड हुड, बचपन में मैं स्कूल जाया करता था, लेकिन अब नहीं जाता हूँ। तो इस तरह से यूज टू का प्रयोग बीती हुई बातों को याद करने के लिए किया जाता है। और जब निगेटिव बनाया जाता है तो डिड नॉट यूज टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से कर दिया जाता है। तो आप चेंज कर लीजिएगा और पॉज करके देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।